नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कौर। विजय लक्ष्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मंचूरियन, तो आइए चलते हैं किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मंचूरियन। उसके लिए हमने ले लिया ये फूल गोभी और ये शिमला मिर्च, गाजर और ये पत्ता गोभी ली है और इनको हमने चॉपर में चॉप कर लिया है और इसको हम अब मिक्स करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे ये मैदा। ये मैदा हम डालेंगे 3-4 चम्मच। और इसमें डाल देंगे हम ये काली मिर्च थोड़ी सी, ये देगी मिर्च है इसको भी थोड़ा सा डालेंगे, नमक, नमक स्वाद अनुसार थोड़ा सा डालेंगे हम, और ये है गरम मसाला इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे, और ये है लाल मिर्च इसको भी थोड़ा सा डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हाथों से मिक्स करेंगे हम। हमें ये मैदा थोड़ा कम लग रहा है और 2 चम्मच हम मैदा और डाल देंगे इसकी बाइंडिंग के लिए। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमने सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया है और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। अगर आपको लगे कि ये मिक्स नहीं हो रहा तो आप 1-2 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं, लेकिन हमारा ये बाइंडिंग अच्छी तरह हो गई है। अब हम इसके गोले बनाएंगे छोटे छोटे इस तरह से हाथ में लेकर, और इस तरह से गोले बनाएंगे और इस प्लेट में रखते जाएंगे। अब ये सारे हमने गोले बना लिए हैं यानी कि मंचूरियन। अब इनको फ्राई करते हैं। ये गैस के ऊपर हमने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने तेल डाल दिया है और गैस जला ली है, इसको गर्म होने देते हैं। अब ये तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसको एक एक करके इसमें डालेंगे। अभी फ्राई होने देते हैं, 3-4 मिनट तक इनको नहीं हिलाएंगे क्योंकि नीचे ये फ्राई हो जाएं उसके बाद हिलाएंगे। अब 3-4 मिनट हो गए हैं, ये नीचे से फ्राई हो गए हैं, इनको अब पलट देते हैं। ये मंचूरियन हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। और ये बाकी दूसरे बचे हैं इनको भी डाल देते हैं इसमें। और इनको भी फ्राई होने देते हैं। अब ये भी हमारे मंचूरियन फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ये सारे मंचूरियन हमने निकाल लिए हैं, अब आगे की तैयारी करते हैं। अब हमने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है, उसमें 1 कड़छी हमने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है और ये तेल हमारा रिफाइंड गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ लहसुन और इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे ये सारी सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर और ये बंद गोभी, और ये लिए हमने प्याज और इनको हमने चॉप किया है, इनको डाल देते हैं।
और इनको भुनेंगे। ये सब्जियां हमारी भुन गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले। इसमें डालेंगे ये आधा चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि जो हम सॉस डालेंगे उसमें भी नमक होता है। और ये आधा चम्मच डालेंगे देगी मिर्च, और ये चौथाई चम्मच डालेंगे काली मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे ये सोया सॉस हमने ली है, 2 चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। और ये टमाटर सॉस है, ये भी 2 चम्मच है, इसको डाल देंगे। और ये चिल्ली सॉस जो हमने घर में बनाई हुई है, ये भी डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। और ये लिया है हमने कॉर्नफ्लोर, और 1 चम्मच है ये। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब पानी डालेंगे इसमें, और इसका घोल बनाएंगे। इसका घोल बना लिया है हमने, इसको भी डाल देंगे। और ये 1 चम्मच हमने सिरका लिया है, इसको भी डाल देंगे। और अब इसको हिलाएंगे। अब ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे मंचूरियन। और इसको मिक्स करेंगे। अब ये हमारे ड्राई मंचूरियन तैयार हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे ड्राई मंचूरियन तैयार हो गए हैं और हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।